नमस्कार दोस्तों, हमारे पास 32 इंच का ये सोनी का LCD आया है जिसमें डबल इमेज का फॉल्ट है। देखिए, आपके सामने मैंने चला के रखा है टीवी को। टीवी को हम खोल चुके हैं। सिंगल कोफ का इसमें स्केलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से कटिंग करी है और दोनों साइड से इसको वापस ट्रैक मैंने जोड़े हैं। दोनों साइड से बारी बारी कटिंग करने पे भी हमारा फॉल्ट नहीं निकला इसमें। इस वाली साइड से कटिंग करने के बाद में हमारा CKV B2 को काटने पे फॉल्ट कुछ सेकंड के लिए निकल जाता है, पर फिर इसमें पूरा पिक्चर वाइट हो जाती है। फिर हमने एक नई टेक्निक से इसका फॉल्ट निकाला है, आज आपके लिए वही नई टेक्निक मैं लेके आया हूँ। वो टेक्निक है, इसमें LED लगाई है हमने। यहाँ पर 12 वोल्ट की जो LED आती है उसको काट करके 3 LED हमने यहाँ पे लगाई है। देखिए, एक सेकंड में इसका फॉल्ट क्लियर हो जाता है। हमने 12 वोल्ट की LED लगाई है और ये कनेक्शन दिए हैं उसके। इसको डायरेक्ट हम 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी डबल इमेज है और ये हमारा डबल इमेज का फॉल्ट क्लियर हो चुका है। ये देखिए, ये LED ग्लो कर रही है और ये हमारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई किसी भी तरह की लाइन नहीं। और जैसे ही मैं ये 12 वोल्ट की LED को कनेक्शन हटाऊंगा और हमारा फॉल्ट वापस डबल इमेज वापस क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये फिर से मैं जोड़ रहा हूँ और जोड़ने के बाद फिर से मेरा TV कंप्लीट पिक्चर ओके। ये आपको दोनों साइड करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें लाइट डाल के बाकी ये फॉल्ट जिस साइड से आता है उसी साइड से क्लियर होगा। थैंक यू।